नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मशीन ड्राइंग में एक फुट स्टेप बेयरिंग नाम का असेंबली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि वो असेंबली करना कैसे है, पार्ट कैसे कैसे बैठते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्रियो में उसका असेंबली बनाया है, और यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लोडेड व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर वो एक्सप्लोड हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या आती है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है। बॉडी में सबसे पहले आपका बुश जाएगा, ये जो बुश है ये जाएगा, फिर उसके बाद आपकी ये जो रिंग है वो जाएगी, और बाद में आपका शाफ्ट जाएगा, और बाद में ये पिन जो है यहाँ नीचे से बॉटम, ये बॉटम वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से अंदर जाएगी। ये पिन जो 12 mm की पिन है वो ये आपके इसमें और आपके बॉडी में जाने वाली है। तो ये एक्सप्लोडेड व्यू था आपका, ठीक है। तो अभी एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी बॉडी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉडी है। यहाँ पे अभी 3D में पूरी आपको ये दिखाई देंगी। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको रंग कहा है उन्होंने, और यहाँ पे ऐसे 4 स्लॉट है, मैंने एक ही बनाया है यहाँ पे। अभी फ्रंट व्यू में देखिए आप ये कैसे दिखता है आपको। फ्रंट व्यू में ऐसे दिखेगा, लेकिन जब आप उसको आपके इसमें देखते हो बुक में, उसमें क्या किया है उन्होंने, पार्शल ब्रोकन व्यू दिया है, मतलब आधी एक साइड ही है उसके हैचिंग है, एक साइड हैचिंग नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे हिडन लाइन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अंदर वाली लाइन है हिडन लाइन है, मतलब ये डायमीटर अलग है आपका, ये डायमीटर अलग है, और ये ऊपर वाला डायमीटर अलग है, और यहाँ पे एक कॉर्नर दिया है, मतलब रंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे आपको, आप देख सकते हो ये ऐसे पार्ट दिखेगा यहाँ पे आपका शेडिंग करके, मतलब ये डायमीटर अलग है, ये दो डायमीटर एक है और ये डायमीटर आपका अलग है, ठीक है। अभी सबसे पहले इसमें क्या बैठेगा, बुश बैठने वाला है। तो बुश कहाँ पे आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बुश है आपका। अगर आप इसको फ्रंट व्यू में देखोगे तो ये आपका ये फ्रंट व्यू है। तो थोड़ा सा इसमें भी क्या किया उन्होंने, दिखाते टाइम उसको आधा ही ब्रेक करके दिया है, मतलब अभी तो आप अगर सेक्शन में जाते हो या और जेड सेक्शन डालते हो, तो अभी देखो मैंने इसको पूरा कट किया है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपके जो बुक है वहाँ पे क्या किया है, यहाँ सेंटर तक आए और सेंटर से यहाँ पे वापस उन्होंने यहाँ तक कट किया, तो उसमें बहुत सारे लाइंस दिखती है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसका व्यू ऐसा है, अंदर से इसका एक ही डायमीटर है, जो 50 का डायमीटर है ना वही एक है, और बाहर से ये अलग अलग है, मतलब वो नीचे वाला डायमीटर को यहाँ पे मैच करता है और ऊपर वाले को यहाँ पे करता है। अगर आपको इसको ये देखना है, हिडन लाइंस में देखना है, तो आप हिडन लाइंस में उसको ऐसे देख सकते हो। इसका फ्रंट व्यू करता हूँ मैं, ये फ्रंट व्यू हो गया, देखो ये ऐसे आएगा, ठीक। इसमें भी रंग का पार्ट है यहाँ पे, देख सकते हो अभी यहाँ पे, ये बैक साइड से आप देखोगे ना तो इसमें रंग का पार्ट दिया है। देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर वाली रंग है वो कहाँ फिट होती है, आपका जो ये बॉडी का ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे फिट होती है वो, ठीक। सबसे पहले बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर क्या होगा आपका, बुश फिट होगा। मैं वो असेंबली करके भी दिखाऊंगा आपको। बाद में आती है आपकी ये रिंग आती है। ये रिंग कैसा है मालूम है क्या, ये रिंग का जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे कॉन्क्लेव, मतलब कॉन्वेक्स पार्ट टाइप में है वो, ठीक है। और अभी यह लास्ट वाला है आपका ये शाफ्ट, ये शाफ्ट जाएगा ऊपर से, और लास्ट है आपकी ये छोटी वाली पिन, ये पिन जाएगी नीचे से। इसका टोटल लेंथ है 12, तो आधी 6 mm बॉडी में जाएगी और 6 mm आपकी जो ये प्लेट है, ये रिंग है, ये रिंग के अंदर यहाँ पे जाएगी, ठीक है। ऐसे अभी इसका मैं असेंबली करके दिखाता हूँ आप वापस से एक बार आपको। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे असेंबली किया है, ठीक है। वापस मैं क्या करता हूँ, न्यू पे इसको एक्स कर देता हूँ। अभी फाइल न्यू नहीं ओपन हो रहा है, ओके यहाँ पे जाता हूँ, ओके। वो मेरा जो ये चालू है इसकी वजह से वो